So literally. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are good, yeah. Fine. Fruits खा लो guys. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बाकी की बात आप अर्पित खजूरिया करेंगे. जब इसको कुछ बोलना नहीं आता ना एंड में यही करती है बाकी की बात आप अर्पित खजूरिया करेंगे. अबे फ्रूट्स खाते खाते क्या बोलूं गाइस. सबसे पहले तो आप अगर अपने घर पे बैठे हैं जो भी फ्रूट आपके आगे पीछे दिख रहा है केला संतरा आम खा लो. क्यों? हेल्दी होता है. सो गाइज अभी जस्ट हम फ्रूट खा के फ्री हुए और एक बड़ी प्यारी कन्वर्सेशन चल रही थी हम दोनों के बीच में रिगार्डिंग कि ये लो मिडिल क्लास कंसेप्ट क्या है तेरा. अब देखो मैं एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मतलब वो क्या है जैसे उदाहरण मिडिल क्लास का बंदा देखो थार चला रहा है. ये तो खुद से लिया ना हमने. अब अपनी बात करूँ तो स्कूल टाइम पे हम लोगों को जो स्वेटर्स होती थी जैसे सेकंड थर्ड या फोर्थ में तो हम लोग जैसे वो एक साथ चलाते थे. कौन लोग? मतलब लो मिडिल क्लास जो मेरे टाइप के लोग हैं. कौन कौन थे तुम्हारे साथ? उधर का नहीं मुझे पता जो मेरे साथ कनेक्ट करेगा वो है. तो भाई अपना ऐसा होता था मेरा ऐसा होता था कि अब मैं वो जो स्वेटर होती थी वो मैं उसको कुछ साल चलाते थे कुछ लोग उसको दो साल चलाते थे. अब मैं उसको कम से कम भी पांच छह साल तो मैं चलाता था. जब तक वो पूरी फट नहीं जाती ना तब तक है. तुम्हारी फटी हुई होती थी और उसमें क्या होता था कि अब जैसे क्या होता था भाई को अगर कपड़े लेके दिए छोटे होते तो उसके कपड़े मुझे पहनने होते थे कल को वो जब पुराने हो जाएंगे क्योंकि नए कपड़े बड़े महंगे होते थे आना. जैसे अगर अभी टमाटर और प्याज खत्म हो गए ठीक है तो हमारा भी सेम होता था. जब कोई सब्जी महंगी होती थी तो फिर वो बनना बंद हो जाती थी. अगर टमाटर महंगा हो गया हाँ तो टमाटर डलना बंद हो जाते थे. हाँ ऑब्वियसली यार ये लो मिडिल क्लास बंदे की पहचान है ये चीज. अब जैसे पनीर हमारे यहाँ कहाँ बनता था? पनीर बनता था हमारे कम से कम भी महीने या दो महीने में एक बार. हमारे घर में रोज बनता था और मुझे पसंद ही नहीं था मैं खाती नहीं. तो उस कैटेगरी में नहीं है ना जिसमें मैं हूँ. अच्छा तो मैं जस्ट अपना उदाहरण दे रहा हूँ. अब जैसे पेस्ट जब तक खत्म नहीं होती रगड़ रगड़ के उसको अंदर से ऑपरेशन करके चीड़ फाड़ करके जब तक उसका पूरा अंदर का नहीं निकाल लेता. मैं नहीं मानती. क्या नहीं मानती? ये फैक्ट है. बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल. और पॉकेट मनी तो हमें पता ही नहीं क्या चीज होती है. पॉकेट मनी का तो कोई समय है कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये किस चिड़िया का नाम है. अब जब अब जैसे कहने को उस टाइम पे अगर गाड़ी तक होती थी ना जैसे लो मिडिल क्लास का कंसेप्ट क्या गाड़ी ले लेता वो हाँ. जैसे तैसे करके जो भी हाँ. करके ले लेता गाड़ी हाँ. पर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं. ओ माय गॉड. अब जिससे मेरे पास बाइक होती थी तो बाइक से पेट्रोल हाँ मैं कई बार पल्लवी से पैसे मांगता था पेट्रोल डलवाने के. कई बार. अच्छा ब्रांडेड कपड़ों के नाम पे ब्रांडेड कपड़ों के नाम पे हम लोग फर्स्ट कॉपी डालते थे. अगर एक नाइकी का जूता 2000 या 2500 का आ रहा है तो वाई यू हैव टू वेयर नाइकी जूता. इफ यू कांट अफोर्ड शौक शौक तो बढ़े है ना. अच्छा उस टाइम पे औकात नहीं थी लेकिन बनाई ना आज. बट लेकिन वही बोल रहा हूँ औकात बनानी पड़ती है. देखो सोच बड़ी रखो मैटर नहीं करता. अब फर्स्ट कॉपी पहनने का मतलब क्या है कि चलिए सब लोग अब हमारे दोस्त. आई डोंट थिंक दिस इज राइट कि आपको अगर नाइकी का जूता लेना है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे 10,000 का नाइकी का जूता लेके. 10,000 का नहीं 2,000 का था. आई डोंट अप्रिशिएट दैट. मैं अप्रिशिएशन की बात नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ कि लो मिडिल क्लास बंदे क्या फर्स्ट कॉपी तो हम जैसे बेचारे लोग ही तो पहनते थे. लो मिडिल क्लास है गरीब थोड़ी ना कि मतलब उसका कुछ भी नहीं है. नॉर्मल कपड़े डाल लो इसमें क्या है कि मुझे ब्रांडेड ही डालना है करना है. आप नहीं डालोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं है. इंसान की सोच होती है आप बंदे को उसके कपड़ों से जज नहीं किया जाता. ये कहने की बात है सोसाइटी जज करती है. ये कहने की बात है कि बंदों को जज नहीं किया जाता. सोसाइटी ऑलवेज जज की कभी जाना किसी रेस्टोरेंट में ऐसे वो बन के तो लोग ऐसे देखते हैं आपको. वी कांट चेंज द पीपल माइंड दिस इज व्हाट इट इज. और सबसे बड़ी बात अगर आप बोलते हो कि आज अगर मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो ये मैंने खुद अपनी औकात चेंज की है. ये नहीं कि मैं मतलब बोलूं तो मेरे को ये घर वालों ने दी या कुछ या कहा. हाँ उस टाइम पे गाड़ी होती थी जैसे मैंने बताया लो मिडिल क्लास लोग जैसे तैसे करके गाड़ी तो ले लेते थे. सेकंड हैंड गाड़ी ले लेते थे हम लोग. बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी में चला सकता हूँ रेगुलर क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है पेट्रोल डालने के. जो फर्स्ट जो ब्रांडेड शर्ट मुझे जो गिफ्ट की थी वो पल्लवी ने की थी. लव यू फॉर दैट. क्योंकि उससे पहले 9th-10th तक तो मम्मी कपड़े लेके आती थी. तो क्या लग के आती थी मतलब मम्मा मैं बोलती था एक जीन्स ला के देता ना ये वो. तो वो भी साल में कभी डेढ़ साल में कभी तो आ रहे कपड़े. खुद नहीं जाते थे साथ में कपड़े लेने. तो मेरे कौन से कोई शोरूम में जाने कपड़े लेने कोई दुकान होती थी नीचे आगे पीछे छोटी सी दुकान है उनमें से जाके उठा लेते थे वो. मम्मी बोलती थी मैं खुद ले आता हूँ. तो ये लो मिडिल क्लास वाली लाइफ है ब्रो. नाइस अच्छी लाइफ है. बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ. किसको?
अपने लोगों को, अपने प्यारे दोस्तों को, कि इट डजंट मैटर कि आप कहां से, मतलब कौन सी जगह पे बैठे हो, कहां पे पैदा हुए हो, या आपकी लाइफ का मतलब क्या जर्नी है. सी आई एम वेरी लकी, यू नो, मेरे पास छत था, मेरे पास खाने के लिए था, मेरे घर वाले इतने कैपेबल थे, एजुकेशन दे पाए, और ये बहुत नॉर्मल है. जस्ट लाइफ, एंजॉय इट, जैसी भी है मैटर नहीं करता. आप उसको खुद अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. अब मेरा माइंड सेट था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है या कुछ करना है, तो मैं लगा हुआ उस पर. और मेरे साथ और भी बड़े लोग हैं जो लगे हुए हैं, और आज कितने लोग हैं, कहां से कहां पहुंच गए हुए. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पीपल लाइक जो आज के टाइम पे कितना कुछ अचीव कर चुके हैं अपनी लाइफ में. तो जस्ट अपनी जर्नी जियो, बट लेकिन लाइफ को इतना सीरियस मत लो, छोटी छोटी चीजों को लेके एंजॉय एवरी मोमेंट गाइस. हर एक मोमेंट को जियो. दिस इज लाइफ, इट्स लाइक ए लेवल. पता है जैसे आप गेम खेलते हो ना, आप गेम खेलते हैं, उसके लेवल बढ़ते हैं, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7. एक टाइम आता है मतलब कि वो लेवल इतना हार्ड हो जाता है कि ना आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, बट लेकिन आप गिव अप नहीं करते हो. आप 10 बारी ट्राई करते हो, 20 बारी ट्राई करते हो, कई बार आप 1000 बारी ट्राई भी करोगे, या 500 बारी या 100 बारी, बट लेकिन आप उसको पूरा करते हो. वैसी लाइफ है. आप जितना ज्यादा, अगर आपके लिए टफ सिचुएशन बन रही है, आप गिव अप मत करो. फाइंड आउट ए वे. Just play it like, इसको serious मत लो. Just go with the flow, and definitely you will reach wherever you want to be in life. To be very honest, nothing is impossible. Trust me. लगे रहो. See, मैंने कुछ अचीव नहीं किया अभी इतना बड़ा जो मैं आपको ऐसे वो examples दे रहा हूँ, but लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लगे रहो, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाना. किसी ना किसी ने, कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच जाता है. बोलो, बाकी ये जो experiences है life के, बहुत मजेदार है. It was too much fun. इन चीजों में मजा आता है, तभी तो आपको लाइफ की कदर होती है, आपको चीजों की कदर होती है, आपको लोगों की वैल्यू होती है. आप इन सब चीजों से सीखते हो. या कोई अमीर बाप का बेटा होगा, उनको इन चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसको एक मिडिल क्लास लोगों के दर्द का नहीं पता कि वो कैसा है, क्या उनकी यू नो लाइफ में क्या क्या चीजें होती हैं. जो एक्सपीरियंसेस हमारे हैं वो शायद रिच लोगों के नहीं होंगे. अपलवी हो गई हुई है, बोर मेरी बातों से, उसने मुंह ऐसे चढ़ा लिया हुआ जैसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ. रहने दे, मैंने नहीं करनी बात. अब क्या बोला ना? नहीं, मैंने बोला. अच्छा लग रहा है. मैं इस चीज को रिलेट कर सकती हूँ, आई मीन अर्पित के थ्रू. दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एंड इसकी जो स्वेटर होती थी एंड शर्ट होती थी वो काफी छोटी हो चुकी होती थी, बट स्टिल मैं फिगर आउट करती थी कि अर्पित इतनी छोटी शर्ट क्यों डाल के आता है, जबकि इसको वो शर्ट पूरी भी नहीं आ रही है. बट मुझे उसकी रियलिटी अब पता चली है, बिकॉज ही कांट अफोर्ड दैट शर्ट. बट ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते. हाँ, अफोर्ड कर सकते थे. हाँ, तो फिर क्यों नहीं ली? वो पैसे सेव करते हैं वाली क्लास. तो वही बात होती है अर्पित. बट हाँ, लेकिन इसने उस चीज को एज ए लर्निंग लिया. एंड गाइस, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आज जो भी अर्पित है, जो भी इसने अचीव किया है, आई एम प्राउड ऑफ हिम. क्या? एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर श्योर. सो गाइस, इट्स टाइम टू एंड दिस. मुझे भी तो बोलो. आई एम प्राउड ऑफ हर गाइस. हाँ, तो ये भी मेरे को लेके काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं. एंड मैं इसको लेके काफी क्या Time to end this video, guys. इसको ये समझाती हूँ कि इतना रोना धोना नहीं होता, guys. Just chill, just chill. मैं कब रोया मैं? अब आप लोग देखो इतने इमोशनल हो जाओगे इसका वो देख के. क्यों इमोशनल हो गए? मैं भी इमोशनल हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो इसका स्ट्रगल पक के सोने वाली हालत थी इसकी. कहती मेरे को इतनी बारी सुना चुके हैं तो ये सब बातें, तो बोर हो चुकी है उन सब चीजों. नहीं गाइस, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, एंड उस इमोशंस में बह के मैं थोड़ा सा बस ठीक है. इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, एंड आई होप आपको मैं पका नहीं रहूंगा. सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को. सी यू टुमारो. बाय बाय.